गठबंधन जेजेपी को लेकर तमाम तरह की चर्चा, गठबंधन जो है 5 साल चलेगा और उसके पश्चात दोनों पार्टियों की सीनियर लीडरशिप ये फैसला लेंगी कि कैसे गठबंधन को आगे बढ़ाना है। ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता, मगर मुझे ये पूर्णतः विश्वास है कि 5 साल ये सरकार तो पूरी मजबूती से एक दूसरे के साथ चलेगी और आगे भी मजबूती से बढ़ा जाएगा। भाई या इसमें कोई वो नहीं होता, मैं एज अ लीडर उनको अपना लीडर मानता हूं और मैं ये देखता हूं कि वो अच्छे नेता हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनमें कम समय में आई है, इसीलिए आज देश की टॉप लीडरशिप कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन कोई भी पार्टी का हो उन्हें रिगार्ड करता है, उन्हें इज्जत देता है। तो इससे ये एक आम तौर पर भावना बन गई हरियाणा की जनता की और हरियाणा की जनता उन्हें आगे बढ़ाना चाहती है। इसका सरपंच लगातार सरकार के खिलाफ है, हमने प्रदर्शन कर रहा है, ऐसे में भाई सरपंच सरकार के खिलाफ है, सरकार किसके साथ है मैं इस पे नहीं जाऊंगा, मैं सरपंचों के साथ हूं। मैंने पहले तौर पे दिन पे कहा था कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में पावर्स चुने हुए नुमाइंदों की ज्यादा होनी चाहिए और मेरी नाराजगी भी थी इस बात से कि कैसे आप किसी की पावर को छीन सकते हो। मैंने उस दिन भी कहा था कि इनकी पावर बढ़ानी पड़ेगी, फिर बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, अभी भी मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं, जो बढ़ाई है वो कम बढ़ाई है। 20 लाख करी थी तो 20 से तो 40 लाख होनी चाहिए थी या उससे ज्यादा करनी चाहिए। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जो अधिकारी है उसे 5 साल बाद जाकर के लोगों के वोट नहीं मांगने, हमने लोगों का हर 5 साल के बाद पेपर क्लियर करना है, टेस्ट।